शादी से पहले जब बंदा दोस्तों में जाए। लो उस्मान भाई भी आ गए। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, बैठो उस्मान भाई, मिलकर खाना खाते हैं। नहीं गंजे भाई, पेट में इलायची की जगह भी नहीं है, अभी अम्मी के हाथ से खाना खा के आया हूँ। उस्मान भाई हमारे साथ भी एक दो निवाला खा लें। आप लोगों को नाराज करके गुनाहगार तो नहीं होना, चलें बिस्मिल्लाह करें, साथ में खाना खाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्या जिंदगी है कवारों की, जब चाहा महफिल लगा ली, जब चाहा पार्टी कर ली, अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं। ओ रुक जा भाई, रुक जा, थक गया मैं ऐसे मजे ले लेकर। बात तो बिल्कुल ये ठीक कह रहा है, अभी तो तुम्हें धुले हुए कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन शादी के बाद बीवी के कपड़े भी तुम्हें धोने पड़ेंगे। ये सब तो तुम लोग की गलतफहमी है, फूल के साथ कांटे तो होते ही हैं। चल भाई तेरी अपनी मर्जी है, समझाना तो हम दोस्तों का फर्ज बनता है। छोड़ो यार इन फजूल बहस को, ये बताओ ट्रिप पे कब चल रहे हैं हम। हाँ यार चलो चलो, जब चलना है चलो, हम तो हाजिर हैं। और जब शादी के बाद बंदा दोस्तों में जाए। इसे क्या हो गया भाई? देखा ये सारे शादी के असरात हैं। हमने तो इसे पहले भी मना किया था, उस वक्त इसने हमारी एक भी नहीं मानी और जाके शादी कर ली। अरे भाई चुप हो जाओ, एक अरसे बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है, सुकून से खाने दो। है क्या मतलब? कहने का मतलब ये था कि दोस्तों के साथ बैठ कर खाए हुए एक अरसा हो गया। अच्छा ये बता, इस साल तेरा ट्रिप पर चलने का प्लान है या नहीं? नहीं भाई मैं नहीं चल सकूंगा, कुछ घरेलू मसरूफियात हैं। देखा मैंने तुझे पहले भी कहा था, ये नागिन के वश में आ गया है। अरे भाई खाने दो बेचारे को, मुझे लगता है ना ही बीवी ने इसे खाने को कुछ दिया और ना ही पहनने को। दोस्तों से क्या छुपाना भाई, अब तो खाना भी मुझे बनाना पड़ता है और कपड़े भी मुझे धोने पड़ते हैं। कोई बात नहीं दोस्त, ये सारी जिंदगी का रोना है अब।